इसको दो पल्ली कहते हैं क्योंकि इसमें दो पल्ले हैं, स्लो और डबल। इसको खास बात यह है कि इन दोनों पल्लों को अलग अलग अंदाज में देखेगा, एक शक्ति में देखेगा यानी एक सौम्य और एक तांडव यानी शिव।
25वां साल है हमारे दुर्गा पूजा शिवरंजनी पंडाल यारी रोड पर। ये मेरे माताजी ने शुरू किया था, माय फादर, मेरे जो पिताजी एंड माय पेरेंट्स, इन्होंने ये पूजा शुरू किया था। एंड 25, दिस इज़ द 25th ईयर, एंड बस लोगों का प्यार है और ये घर जैसा पूजा लगता है। इट इज़ नॉट सार्वजनिक, बट एक छोटा सा हमारा पंडाल है और लोग आते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, करीबन 400 से 500, करीबन 600 लोग रोज़ आते हैं। यहाँ पे भोग भी हम देते हैं एंड माँ का प्रसाद होता है लोगों के लिए, दर्शकों के लिए। एंड शाम को जो हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, जैसे आप लोगों ने आज देखा ही है, विशाल जी, विशाल कृष्णा द ग्रेट कथक डांसर, ही हैज़ परफॉर्म्ड आज अष्टमी के दिन पे। सो सबको आनंद मिलता है, इट्स वेरी गुड। कितने दिनों का होता है ये उत्सव जो है? ये करीब हम शुरू करते हैं, इससे 3rd of October से शुरू हुआ था और 8 अक्टूबर को दशहरा है, तो करीबन 5 दिन का ये प्रोग्राम रहता है, बहुत अच्छा है। दशहरा का दिन विसर्जन होता है तो लेडीज़ की भी पूजा होती है, हम तो बस विसर्जन पे माँ को ले चलते हैं, माँ को प्यार से लाते हैं और बस माँ, फिर माँ के आशीर्वाद लेकर, यू नो इट इज़, वी ऑल, हम सब विसर्जन की तरफ चलते हैं। कल भी जो है कुछ हम लोग आए हुए थे, फिल्मी हस्तियाँ भी आई हुई थी। हाँ जी, कल भी। हाँ, कमौना सीट। बेसिकली यारी रोड जो है, काफ़ी यहाँ पे टेलीविजन स्टार्स और कुछ फिल्म स्टार्स भी रहते हैं, तो उनको ये पंडाल काफ़ी अच्छा लगता है। लोग काफ़ी, जो आसपास जो लोग रहते हैं कलाकार, वो आते हैं, संगीतकार लोग आते हैं, बिसाइड्स फिल्म स्टार्स एंड टेलीविजन स्टार। बट मेरे ख्याल से वॉट बेसिकली दे रियली इन्जॉय इज़ द घर जैसा एटमॉस्फेयर जो उनको मिलता है, वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और माँ के दरबार में सभी के लिए जगह है, सभी के लिए प्यार है,
सब आते हैं माँ का, माँ का आशीर्वाद लेने। अच्छा, क्योंकि भट्टी का इतना बड़ा नाम सीन है गोल्डन स्टार, तो उनके बैनर को कुछ आप लोगों ने सोचा है कि नहीं? डेफिनेटली भगवान की देन से, यू नो मीन भगवान के ब्लेसिंग से हम सब पर, तो ज़रूर कुछ ना कुछ 2020 में हम शुरू करेंगे। मेरी पहली फिल्म तो 2016 है अपना दिल तो आवारा, जो रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक साल का ब्रेक ले गया था, मैंने फिर से लिखना शुरू किया है, तो बस दर्शकों के आगे ज़रूर कुछ नया लाएंगे। दशहरा के अवसर पर यही कहेंगे कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा दियाओं का प्रयोग कीजिए, बिजली कम खर्च करिए, कम बिजली बहुत कम जलाइए, गंदगी मत करिए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए देव दीपावली के दिन पे और दशहरा के दिन पे। हर एक व्यक्ति से अनुरोध है कि कम से कम 5 पेड़ लगाइए और लगाने के बाद एटलीस्ट उसकी देखरेख भी करिए। लगा देना इट्स वेरी इजी, बट उसको केयर करना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए और बहुत सारे दियों का प्रयोग करिए, क्योंकि बेचारे बहुत सारे ऐसे मेकर्स हैं जिनके दियाओं को कोई खरीदता भी नहीं है और सब इलेक्ट्रिक दियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको यही देंगे और मोदी जी भी यही कहते हैं कि आसपास बहुत सारे सफाई रखिए, ग्रीनरी रखिए और खूब सारे खूब खुशी से इस त्यौहार का को मनाइए। आप सभी को शुभ दशहरा। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं राजेश मिश्रा, मेरी वाइफ सितारा देवी की बेटी जयंती माला जी हैं, जो कि बनारस घराने की 10वीं पीढ़ी हैं, और ये विशाल कृष्णा जो बनारस से आया है अभी परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको सितारा देवी ने सिखाया, मेरी वाइफ जयंती माला ने सिखाया, उनके पापा किशन महाराज जी ने सिखाया, मोहन महाराज जी ने सिखाया, और इस तरीके से ये सिलसिला जो सितारा देवी ने आज 100 साल पहले शुरू किया था वो अभी हम लोग मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, और इस साल से ही मम्मी का 100 साल हो जाएगा जो कि मैं सितारा देवी का शो मनाऊंगा। और ये बनारस घराना, उस समय जब बनारस घराने में आदमी नाचा करते थे या लड़के लोग डांस किया करते थे, लेकिन पहली लेडी हैं सितारा देवी जिन्होंने कि समृद्ध फैमिली से, अच्छे फैमिली से कथक डांस को यहाँ तक लाया है, और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम किया है और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। इस तरीके से मम्मी सितारा देवी का बहुत बड़ा हाथ है कथक डांस को पूरे वर्ल्ड में पहुँचाने के लिए। थैंक यू। क्लासिकल डांस हम खुद कलाकृति केंद्र चला रहे हैं जिसमें कि मैं कथक डांस को प्रमोट करता हूं, म्यूज़िक को प्रमोट करता हूं इस तरीके से, और बहुत बढ़िया स्टाइल से हम उसको मनाते हैं, और अभी भी मैं फरवरी में शो करूंगा। मेरा इस तरह से शो होता ही रहता है, और उसमें बड़े बड़े कलाकार और जो यंग कलाकार हैं उनको भी हम लोग बुलाते रहते हैं। कलाकृति केंद्र मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि उन बच्चों को भी सिखाते हैं जो कि गरीब हैं, उनको भी हम लोग क्लास देते हैं, कथक सिखाते हैं। इस तरीके से हमने कथक में बहुत मेहनत कर रहे हैं जिससे कि ये मेरी विरासत है जो सितारा देवी के थ्रू यहाँ तक पहुँचा है, तो उसको मैं कैसे और मेंटेन करूँ, तो उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ और अच्छा चल रहा है। और हमारे कलाकृति केंद्र में फिल्म के जितने भी स्टार हैं वो भी डांस सीख रही हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं, तो मैं दोनों को कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये विरासत को मैं बचाऊँ, और पूरी कोशिश है कि मैं बचा रहा हूँ। थैंक यू।